परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक 6, 7 एवं 8। श्लोक 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। श्लोक 8। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। श्लोक 6। अर्थ। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। श्लोक 7। अर्थ। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। श्लोक 8। अर्थ। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है।